नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुटकॉन में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री ने आज जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई को नारा शहर में एक चुनावी सभा के दौरान भाषण देते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बेंगलुरु में एचयूएल के अत्याधुनिक एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति मुर्मू दक्षिण क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की वर्चुअल रूप से आधारशिला रखेंगे। साथ ही राष्ट्रपति आज सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कर्नाटक सरकार की राजधानी बेंगलुरु में राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों का वितरण करेंगे। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गृहमंत्री केआरआईसी कॉलेज द्वारा निर्माणाधीन 750 बेड के आधुनिक अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जीटीयू के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। साथ ही इसके दौरान अमित शाह अम्बोट के महाकाली मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। गृहमंत्री इसके साथ ही पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड द्वारा मंदिर के विकास के लिए विभिन्न कार्यों का शिलान्यास करेंगे। शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय की भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नीली छावनी स्थित मानेकशॉ सेंटर में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स 2022 India@75 शिपिंग फॉर India@100 के वार्षिक सत्र में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजधानी नई दिल्ली के फिक्की फेडरेशन हाउस में 13वें वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज राजधानी नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में जलदूत ऐप लॉन्च करेंगे, जिसका उपयोग घटते जलस्तर को नापने के लिए किया जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव श्रम शक्ति भवन में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के चौथे दौर पर रिपोर्ट जारी करेंगे। इस दौरान श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी मौजूद रहेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा आज मुंबई में फिक्की द्वारा आयोजित मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन फिक्की फ्रेम्स फास्ट ट्रैक 2022 का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों और संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालयों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करेगा। बैठक में दोनों राज्यों के बीच अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का वॉशिंगटन डीसी स्थित रक्षा विभाग में मुख्यालय पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात करने के बाद उनका स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने नीतियों की साझेदारी, रक्षा व्यापार, सेवाभ्यास और सैन्य औद्योगिक सहयोग के अलावा यूक्रेन संघर्ष, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हो रही गतिविधियां, समुद्री क्षेत्र की चुनौतियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की वाणिज्य मंत्री गिना रायमुंडो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने लचीली आपूर्ति श्रृंखला, हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क, उच्च प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर और व्यापार को बढ़ावा देने के मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित राउंड टेबल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान तकनीक, सुरक्षा, विश्वसनीय शोध और प्रतिभा विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में भारत अमेरिकी साझेदारी के इस उत्साह को देखकर वो काफी प्रभावित हुए। साथ ही उन्होंने फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर एस पंचनाथन का नीति, शोध, उद्योग और एकेडमिक जगत के हस्तियों को मंच पर एक साथ लाने के लिए आभार जताया। राजस्थान कांग्रेस के संकट पर पार्टी के पर्यवेक्षक आज दोपहर को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे।
सीएम गहलोत के दांव में कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फंस गया। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की जो शर्तें हैं उनके सामने वो रखी गई हैं। गहलोत समर्थक विधायकों ने शांति धारीवाल के घर बैठक की, पर्यवेक्षकों ने इसे अनुशासनहीनता करार दिया। कांग्रेस आलाकमान की चाहत इस बीच साफ नजर आती है, मंशा सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री पद सौंपने की है। अशोक गहलोत किसी भी हाल में पायलट को कुर्सी सौंपना नहीं चाहते। पर्दे के पीछे से गहलोत समर्थक विधायक अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं गहलोत की पारी खत्म ना हो जाए। इस खींचतान में पर्यवेक्षकों से अशोक गहलोत ने जयपुर में मैरियट होटल में मुलाकात की। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनौती विधायकों को एकजुट करने की है। संख्या बल में गहलोत का पलड़ा भारी है, 82 विधायकों के साथ पक्का दावा है और 92 अब तक उनके साथ आ चुके हैं। ऐसे में पायलट खेमे में कुल 16 विधायक ही नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की उठापटक पर चुटकी ली। उन्होंने कहा, क्या भारत जोड़ों में मनोरंजन की कमी है जो अभी राजस्थान में भी शुरू हो गया। राजस्थान राजनीतिक संकट पर राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान का राजनीतिक घटनाचक्र सरकार की अस्थिरता की ओर इशारा करता है। सरकार का जन्म अंतर्कलह से हुआ, पहली बार बहादुर विधायकों ने अपने आप से आलाकमान को ललकारा है। वक्त छोटे से ब्रेक का। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, आयुष इज स्केलिंग न्यूअर हाई। करंट सिचुएशन प्रेजेंट्स अ राइट टाइम ऑफ फॉर आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन टू बिकम इवन more popular global. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 832,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. Digital banking ka hai zamana, time hai bachana. डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनी वेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी, 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को केरल में पार्टी की राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जेपी नड्डा का त्रिवेंद्रम में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने थम्पनूर में 6 लोकसभा क्षेत्रों के कोर कमेटी सदस्यों की बैठक की अध्यक्षता की। जेपी नड्डा ने लोकसभा क्षेत्रों के कोर कमेटी सदस्यों के साथ बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। जेपी नड्डा ने केरल के कोडियार में पार्टी के बूथ प्रभारियों और बूथ अध्यक्षों के जनपद स्तरीय सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि केरल के विकास के लिए विशेष ध्यान देकर काम किया जाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। उनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा गया। जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पार्टी के नाम के साथ पार्टी के ध्वज को भी जारी किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी की विचारधारा उनके नाम की तरह होगी और इसमें सभी धर्म निरपेक्ष लोग शामिल हो सकते हैं।
उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पार्टी किसी भी नेता से प्रभावित नहीं होती। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सत्येंद्र जैन ने राउस एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत अर्जी को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई कल होगी। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सोमवार को दिल्ली के कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। मामले की जांच कर रहे ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलीन को मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का करीबी बताया। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार, संयम, शक्ति और वैराग्य में वृद्धि होती है। शत्रु पर विजय हासिल करने में सफलता भी मिलती है। तो शारदीय नवरात्र के पहले दिन कल पूरे देश में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे देश में शारदीय नवरात्र आस्था और उल्लास के साथ मनाई जाती है। विदेशों में रह रहे भारतवंशी भी विधिवत नवरात्र अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान पीठ की सुनवाई का पहली बार आज सीधा प्रसारण होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं और केंद्र के साथ दिल्ली सरकार के बीच सेवाओं के नियंत्रण को लेकर विवाद पर सुनवाई पहले नियमित वेबकास्ट होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई webcast.gov.in/supremecourtindia/ पर देखी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हाल ही में पूर्ण अदालत की बैठक में लिए गए सर्वसम्मत निर्णय में शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर से सभी संविधान पीठ की सुनवाई की कार्रवाई को सीधे प्रसारित करने का फैसला किया था। इसे ठीक 4 साल पहले 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों में महत्वपूर्ण कार्रवाई के लाइव टेलीकास्ट या फिर वेबकास्ट पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसमें उन्होंने कहा था कि सूरज की रोशनी सबसे बेहतर कीटाणुनाशक है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करने वाला है कि क्या चुनाव आयोग पार्टी के चुनाव चिन्ह, पार्टी के नाम, पहचान को नियंत्रित करने वाले शिवसेना गुटों द्वारा दिए गए प्रतीक आदेश मामले में कार्रवाई जारी रख सकता है। वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु महानगर पालिका के 243 वार्डो के लिए घोषित आरक्षण सूची को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। वित्त मंत्री आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों के लिए ऋण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड कोयले से रासायनिक उत्पादों के लिए 3 प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में आज हस्ताक्षर करेगा। 4 भूतल कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोल इंडिया लिमिटेड देश की 3 अन्य प्रमुख पीएसयू भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल, आईओसीएल और गेल इंडिया के साथ मिलकर काम करेगा। प्रस्तावित परियोजनाओं से विदेशी मुद्रा खर्च में कमी आएगी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के लगभग 23,000 से ज्यादा अवसर सृजित होंगे। आत्मनिर्भरता और ऊर्जा स्वतंत्रता के दोहरे उद्देश्यों के साथ कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म ईऑन पीएलसी ने अपने सर्वे में बताया कि देश में कंपनियां साल 2023 में कर्मचारियों के वेतन में औसतन करीबन 10% की वृद्धि कर सकती हैं। वेतन में इतनी वृद्धि इससे पहले 2015 में देखी गई थी। कोरोना महामारी के बाद कारोबार में बेहतर ग्रोथ को देखते हुए एजेंसी ने इस तरह का अनुमान जताया। एलएनटी पावर डेवलपमेंट की सहायक कंपनी नाभा पावर के शेयर धारकों ने इस बात को मंजूरी दी है कि अगर कंपनी भविष्य में डिफॉल्ट करती है तो उसे 5,341 करोड़ रुपए के कर्ज जो उसने लिया है उसे इक्विटी में तब्दील किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की अपनी वेबकॉस लिमिटेड ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास आवेदन भेजा है। मल्टीप्लेक्स श्रृंखला का संचालन करने वाली पीवीआर सिनेमास की चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 100 नए स्क्रीन शुरू करने की योजना है। इसके अलावा कंपनी 350 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगी। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 तक जो 30 सितंबर तक वैध थी उसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। ये 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। सरकार ने स्वदेशी रूप से विकसित AVG-AS 100LL लॉन्च किया जो पिस्टन इंजन ऑयल विमानों और मानव रहित एरियल विमानों के लिए एक विशेष विमानन ईंधन है। इससे देश में कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इंडियन ऑयल देश में एविगैस 100LL का उत्पादन और वितरण करने वाली पहली तेल वितरण कंपनी। इस सप्ताह एमपीसी एक बार फिर दरों में इजाफा कर सकती है। ये इजाफा यकीनन 50 आधार अंक या 35 आधार अंक का हो सकता है।
वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। एप्पल अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है। कंपनी भारत में आईफोन 14 प्लस प्रो और प्रो मैक्स बनाएगी। इसमें देश में आईफोन की जो कीमतें हैं उसमें गिरावट देखी जा सकती है। उद्योग संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अनुसार 2021-22 में करीबन 3 करोड़ से ज्यादा निवेशक खाते और 2020-21 में 81 लाख निवेशक खाते जोड़े गए। S&P ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान जताया। रेटिंग एजेंसी ने मुद्रास्फीति 2022 के अंत तक 6% के ऊपर रहने की बात कही है। आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। ऐसे में धनबाद स्थित IIT ISM में हुए एक रिसर्च के बाद सड़कों पर दौड़ने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक ऐसा हाइब्रिड वायरलेस चार्जिंग सिस्टम डेवलप किया गया जिससे ये गाड़ियां चलते चलते खुद ब खुद चार्ज हो जाएंगी। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के क्षेत्रों में रूस शामिल होने के लिए जनमत संग्रह का आज आखिरी दिन है। यूक्रेन द्वारा जवाबी हमले तेज करने के बाद इन चारों क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया जा रहा है। गौरतलब है कि लुहांस, दोनेत्स्क, खेरसान, ज़ापोरिज़्या यूक्रेन का 15% हिस्सा मानते हैं अपने आप को। इस बीच ज़ापोरिज़्या क्षेत्र के रूसी नियंत्रित जो शहर मिलिटोपोल है वहां के नगर निगम के कार्यकर्ताओं ने जनमत संग्रह में अपने वोट डाले। मिलिटोपोल संघर्ष की शुरुआती महीनों से ही रूसी सेना के नियंत्रण में है। कनाडा के में अगर देखा जाए तो 1 अक्टूबर से विदेशों में आने वाले यात्रियों के लिए सभी तरह की कोविड-19 पाबंदियों को वो हटा देगा। अब 1 अक्टूबर से उड़ाने और ट्रेनों में जाने के लिए कोविड टीकाकरण जांच, क्वारंटीन में रहने और मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी। कनाडा का टीकाकरण दर, नए टीकों और उपचारों की उपलब्धता को देखते हुए कनाडा सरकार ने यह फैसला लिया। कनाडा सरकार की कल की गई घोषणा से कनाडा के पर्यटन और जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसे बढ़ावा मिलने की संभावना है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ओर से दुनिया भर में चलाए जा रहे जासूसी अभियानों का खुलासा करने वाले एडवर्ड स्नोडेन को रूस की नागरिकता मिल गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नागरिकता देने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। पुतिन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक स्नोडेन उन 75 विदेशी नागरिकों में शामिल रहे जिन्हें रूस की नागरिकता प्रदान की गई। यह आदेश एक सरकारी वेबसाइट पर साझा किया गया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के कॉन्ट्रैक्टर स्नोडेन अमेरिका में अभियोजन का सामना करने से बचने के लिए 2013 से रूस में रह रहे हैं। स्नोडेन पर अमेरिका के सरकारी निगरानी कार्यक्रमों के विवरण और दस्तावेजों को लीक करने का आरोप है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा अमेरिकी विदेश विभाग को एडवर्ड स्नोडेन की अमेरिकी नागरिकता की स्थिति में किसी भी बदलाव के बारे में कोई जानकारी नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्नोडेन को लेकर अमेरिका के विचार में कोई बदलाव नहीं और उसे अमेरिका लौटना होगा, कानून का सामना भी करना होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज सुबह सुबह इतिहास रच दिया। नासा का डार्ट मिशन आज सुबह 4:45 पर सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस मिशन में पृथ्वी को एस्ट्रॉइड के खतरे से बचाने के अभ्यास के तहत नासा का डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड डेमो फोर्स से टकराया और उसकी दिशा बदल गई। इस मिशन की सफलता के बाद अब पृथ्वी की तरफ आ रहे खतरनाक एस्ट्रॉइड की दिशा को बदला जा पाएगा और भविष्य में ऐसे किसी भी खतरे से भी बच पाएंगे। बांग्लादेश में कल श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पंचगढ़ जिले में कोरटुआ नदी में डूब गई। इस हादसे में अब तक 50 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। शुरुआती जांच में पता लगा कि नाव अपनी क्षमता से 3 गुना ज्यादा भरी हुई थी। इस हादसे में दर्जनों से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, तलाश जारी है। नेशंस लीग में सोमवार देर रात खेले गए एक मुकाबले में इटली ने हंगरी को 2-0 से हरा दिया। इस मुकाबले में मेजबान हंगरी इटली की रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पाए। इटली ने 27वें मिनट में गोल कर मैच में बढ़त हासिल कर ली। इटली की ओर से पहला गोल जियाकामो रास्पडोरी ने किया, वहीं इटली की ओर से दूसरा गोल फेडरिको दिमार्को ने 52वें मिनट में किया। हंगरी पर इस जीत के साथ इटली नेशंस लीग के नॉकआउट मुकाबलों में जगह बनाने वाला वो तीसरा देश है। नेशंस लीग के एक अन्य मुकाबले में इंग्लैंड और जर्मनी आमने सामने, दोनों के बीच देर रात खेला गया यह मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। इस हाई स्कोरिंग मैच में पहला हाफ गोल रहित रहा लेकिन दूसरे हाफ में दोनों टीमें आक्रामक खेल दिखाते हुए उन्होंने 3-3 गोल दागे, फिर भी मैच बेनतीजा। अमेरिका के 21 साल के ब्रैंडन नाक्शिमा ने मार्कोस ग्रोन को सीधे सेट्स में 6-4 से हराकर सैन डिएगो ओपन रूप में ATP टूर का अपना जो पहली ट्रॉफी है उस पर जीत हासिल की।
एटीपी टूर पर अपना तीसरा फाइनल खेल रहे नाकेशिमा ने इस हफ्ते रैंकिंग में भी अच्छा सुधार किया। वह 21 स्थान के सुधार के साथ 48वें पायदान पर आ गए। तो ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच की T20 सीरीज में भारत ने 2-1 से हराकर आईसीसी रैंकिंग में अपनी बादशाहत को बरकरार रखा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया अब 266 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर। ऑस्ट्रेलियाई टीम को रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा। भारत के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद टीम 1 अंक के नुकसान के साथ 6वें पायदान पर। विराट कोहली पूर्व दिग्गज राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। हर साल पूरे विश्व में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भला इस दुनिया में घूमना फिरना किसे पसंद नहीं है। इस बार की थीम पर्यटन पर पुनर्विचार रखी गई है। गूगल आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है जो कि 24वां है। सर्च इंजन गूगल ने अपने होम पेज पर डूडल के जरिए इस दिन को यादगार बनाया। आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता और एक अथक समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा की आज जयंती है। एक खिलाड़ी जिसके सिक्सर ने शोएब अख्तर को हिलाकर रख दिया था, एक गेंदबाज जिसने अपनी तूफानी गेंदबाजी से पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया, आज वो अपना 41वां जन्मदिन मना रहा है। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मीपति बालाजी की। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु का टीजर रिलीज। अक्षय ने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, राम सेतु की पहली झलक सिर्फ आपके लिए, इसे बहुत प्यार के साथ बनाया गया है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ऋतु रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा एक्शन से भरपूर है। निर्माताओं ने फिल्म का पहला ट्रैक बंदा रिलीज किया। पोनियन सेल्वन 1 के निर्देशक मणिरत्नम ने कहा कि फिल्म में आई तकनीक में आए बदलाव के कारण फिल्म का निर्माण संभव हो पाया। फिल्मों के सेट पर भी कलाकार जिंदगी को बिल्कुल जुदा अंदाज में जीते हैं। कोच नेम तिरंगा के सेट पर परिणीति चोपड़ा और हार्डी संधु पंजाबी में बात करते हुए दिखाई दिए। बंगाली फिल्म निर्माता अभिनेता राजनेता राज चक्रवर्ती डीएम मलिका के साथ पोर्टल होईचोई स्ट्रीमिंग के लिए डिजिटल स्पेस में ओटीटी पारी का आगाज करेंगे। निर्देशक सिरुथई शिवा की आगामी मैग्नम ओपस के निर्माताओं ने फिल्म के सेट पर शूट की गई तस्वीरों और वीडियो को अवैध रूप से अपलोड और साझा करने वालों को कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी डाली। मशहूर निर्देशक सुंदर सिंह ने कहा कि उनकी आगामी फिल्म रोमांटिक और कॉमेडी एंटरटेनर कॉफी विद कधल की कहानी 3 भाइयों के जीवन पर बनाई गई है। अभिनेता श्रीनाथ भासी को महिला पत्रकार को एक साक्षात्कार के दौरान मौखिक रूप से दुर्व्यवहार के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। एक्सप्रेस 100 में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।